हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है और बुधवार रात को ये छठी लिस्ट जारी की, जिसमें 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी अब तक कुल 89 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन ने भी बुधवार देर रात अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अब बात करें आपकी, तो दरअसल हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन है, ऐसे में सभी दल उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। आप बुधवार को चौथी और पांचवी लिस्ट जारी कर चुकी थी और रात को देर रात छठी लिस्ट भी उसकी सामने आ गई। चौथी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम थे, पांचवी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम थे और छठी लिस्ट में जाकर 19 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने कालका से ओपी गुज्जर, पंचकुला से प्रेम गर्ग, अंबाला शहर से केतन शर्मा, मुलाना से गुरतेज सिंह, शाहबाद से आशा पठानिया, पेहोवा सीट से गेहल सिंह संधु, गोहला से राकेश खानपुर, पानीपत सिटी से ऋतु अरोड़ा, जिंद से वजीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। आपने नरवाणा से अनिल रांगा, तो शाम से दलजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पटौदी से प्रदीप जुटाली, पलवल से धर्मेंद्र हिंदुस्तानी, होडल से एमएल गौतम, फिरोजपुर झिरका से वसीम जफर को उम्मीदवार बनाया गया है और 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो सका और अकेले दम पर हरियाणा के रण में उतर चुकी है। हॉट सीट पर भी आप अपनी रणनीति बहुत ही सोच समझ कर बना रही है। बात जुलाना की कर लें तो कांग्रेस ने विनेश फोगाट को इस सीट से उतारा है और गठबंधन में चुनाव होता तो शायद विनेश कांग्रेस आप गठबंधन का चेहरा होती, लेकिन अब हालात अलग हैं। ऐसे में आपने विनेश फोगाट का मुकाबला करने के लिए कविता दलाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कविता दलाल भी विनेश की तरह ही एक रेसलर रही हैं। इस तरह से जुलाना में लड़ाई जो है वो रेसलर वर्सेस रेसलर होने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन ने भी बुधवार देर रात अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे प्रताप चौटाला के बेटे रवि चौटाला की पत्नी सुनैना को फतेहाबाद से टिकट दिया गया है। वहीं आदित्य चौटाला को डबवाली से टिकट मिला है। लिस्ट में सुनैना और आदित्य चौटाला समेत 11 नाम शामिल हैं और इसके अलावा टोहाना से कुणाल करण सिंह, जुलाना से सुरेंद्र लाठर, मुलाना से प्रकाश भारती, पुनहाना से दया भड़ाना, नूह से ताहिर हुसैन, पिहोवा से बलदेव सिंह वड़ैच, नीलोखेड़ी से बलवान वाल्मीकि, फिरोजपुर झिरका से मोहम्मद हबीब और इसराना से सूरजभान नारा को टिकट दिया गया है। इसे लेकर इनेलो के प्रधान महासचिव और विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता अभय सिंह चौटाला ने ट्विटर पर लिखा, हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इनेलो पार्टी ने विभिन्न विधानसभाओं के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। हर प्रत्याशी अपने क्षेत्र की तरक्की और जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये हरियाणा की तस्वीर उभर कर सामने आई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है तो आम आदमी पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएगी और इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जैसे इनेलो और जेजेपी, इनका भी रंग देखने को चुनाव में मिलेगा। कितना नुकसान पहुंचाते हैं बीजेपी कांग्रेस को, ये देखना बहुत अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।